हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आज मैं लेके आई हूँ अपने बालों का, मैं अपने बालों को कैसे केयर करती हूँ और मेरे बाल इतने कैसे सिल्की और लॉन्ग है, ऑयल कौन सा लगाती हूँ, कौन सा शैम्पू और कौन से क्या क्या मैं यूज करती हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो वीडियो लास्ट तक बना रहेगा और जो मेरे वीडियो पे प्लीज़ नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के साथ, जिससे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ। पहले तो अपने मैं बालों के बारे में सब कुछ बताऊँगी आज आपको। तो देखिए, मैं अपने बालों को अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ कि मेरे बाल कितने लॉन्ग और सिल्की है और किस कारण से हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बालों के लिए और हर लेडी को पसंद है कि हमारे बाल बहुत ही लंबे, बहुत ही लॉन्ग हो। तो मैं आज आपको, मैं जो जो यूज़ करती हूँ मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मेरे इतने लॉन्ग बाल है, ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो मैं आपके साथ यूज मतलब बताने वाली हूँ जो मैं यूज करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा। तो मैं ये डाबर आंवला तेल यूज करती हूँ। बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही आसानी से यह सब जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं नहीं मिलता है। और ये शैम्पू है जो मैं पतंजलि का यूज करती हूँ। मैं पतंजलि का यूज पहले मैं करती थी, उसके बाद में बताऊँगी। और ये है सरसों का तेल जो मैं रात को अपने बालों को लगा कर ओवरनाइट के लिए लगाती हूँ और सुबह अपने बालों को वॉश करती हूँ। तो इससे आप सर्दियों में थोड़ा सा गर्म करके लगाए तो और भी अच्छा है। ये तेल लगाओगे ना आप सरसों का तो आपको डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं आपको ऑयल लगा के दिखाती हूँ कि अपने बालों को मैं ऑयलिंग कैसे करती हूँ। तो जब भी अपने बालों को, मैं हफ्ते में एक बार ही अपने बालों को तेल लगाती हूँ, रोज़ तेल नहीं लगाती हूँ। और अपने बालों को मैं हमेशा बांध कर रखती हूँ। कभी बाहर जाना होता है तभी मैं अपने बालों को खोल कर रखती हूँ, नहीं तो मैं अपने बालों को हमेशा बांध कर रखती हूँ। कैसे बांध के रखती हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए, एक बार तो हम तेल अच्छे से लगा लेंगे इसको। वैसे तो रात को मैंने तेल लगाया था और सुबह मैंने फिर बालों को धो लिया है। पहले मैं लगाती थी हेयर एंड शोल्डर शैम्पू, जिससे मुझे इतना मतलब रिजल्ट नहीं आया मेरे बालों को जैसे अभी आ रहा है। तो आप अगर पतंजलि शैम्पू लगाओगे ना आप तो डैंड्रफ होने के चांस बहुत कम है, बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं होगा। वैसे सर्दियों में थोड़ा बहुत डैंड्रफ होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। और मेरे बाल मतलब दो मुहे बिल्कुल नहीं है, मैं आपको वो दिखाऊंगी पास ले जाकर। दो मुहे बाल मेरे बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मेरे बालों को दो मुहे नहीं है। और आप जब भी तेल लगाओ तो जो नीचे वाले हिस्से का होता है, जो उसको क्या बोलते, जहाँ से ऐणी होती है बालों की, वहाँ ऐणी पर आप ज़रूर तेल अच्छे से लगाए। जब आप अच्छे से तेल लगाओगे तभी बाल आपके अच्छे रहेंगे। और रोज़ बालों को तेल लगाना ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ तेल लगाओ। मैं हफ्ते में एक बार ही लगाती हूँ और दो दिन बालों को वॉश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ बालों को वॉश करती हूँ, क्योंकि रोज़ वॉश करने से बाल ज़्यादा टूटते हैं। और हमेशा अपने बालों को कंघी करें, ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कंघी रोज़ करना है आपको अपने बालों को। और मैं चोटी बना कर रखती हूँ, जैसे देखो ये चोटी बना रही हूँ तो मैं ऐसी चोटी बना कर रखती हूँ आप देखिएगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको। तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना ज़रूर, लाइक करना ना भूले वो भी ज़रूर कर दे प्लीज़। लाइक में कोई पैसे नहीं लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल मतलब हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं अपने बालों की बहुत देखभाल करती हूँ, अपने मतलब बच्चों की जैसी देखभाल करती हूँ वैसे अपने बालों की करती हूँ।
मेरे बाल पहले और भी लॉन्ग थे लेकिन मैंने कटवा लिए बालों को, तो मैं देखो ऐसा बना के रखती हूँ घर में, ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ बालों को और ऐसे क्लिप लगा लेती हूँ, तो ये कहीं खुलते भी नहीं हैं। तो मैं आपको और बताती हूँ, ऐसे भी रख लो आप, रख सकते हो, और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता इसलिए मैं जूड़ा बनाकर आपको नहीं दिखा पाई। फिर कभी आप बोलोगे तो मैं इन लॉन्ग बालों का जूड़ा बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो हम शादी विवाहों में बनाकर रखते हैं। तो लंबा हो जाता वीडियो इसलिए मैं नहीं बना पाई, तो आप बोलोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो देखिए ऐसे भी आप रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा वो अच्छा रहता है। तो बस तो आप इसे खोल कर भी रख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे खोल कर भी ऐसे हेड पर रबड़ लगा कर आप रख सकते हो अपने बालों को, कहीं पर आप जाओ ना तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो ये देखिए मेरे बाल,